किस विषय को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है आज मैयर एसडीएम को? हम लोग कई वर्षों से 13 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने वचन पत्र में शामिल किया था, पर उनकी सरकार गिर गई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उन्होंने ये उनको हम लोगों ने इतने बार ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये मांग रखा कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए 13 वर्षों से लगातार, पर वो सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि अब अगर नहीं सुनते तो हमारा उपचुनाव के पहले पहले अगर वो नियमित करते हैं तो ठीक है, नहीं हमारा जो आंदोलन होगा वो आंदोलन उग्र होगा। और हमारे भैया प्रभात भैया के कर्मक्रम से आप हमारे साथ में हैं और हम लोग भैया के साथ में हैं, और जैसा भी होगा हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन है साथ में शायद नियमितीकरण का भी ज्ञापन होगा जो हर ब्लॉक के गेस्ट टीचर एसडीएम या अपने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले को जाके देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मानदेय न मिलने का है क्योंकि फरवरी तक का जो बजट है वो ग्लोबल में आया था, पर मई और ब्लॉक वालों ने कुछ संपूर्ण को छोड़ के बाकी का बजट दूसरे में 53 लाख रुपये बजट दूसरे में यूज कर दिया है। और रामनगर अमरकाटन जितने हैं ब्लॉक हैं सब जगह गेस्टों का ब्रेन तक का मानदेय आ गया। यहाँ पूछने पे पूर्व बीओ से भी वर्तमान बीओ से भी ट्रेजरी के बाबू से लेखापाल से पूछने पे कहते हैं नहीं मालूम कि बजट कहाँ यूज हुआ है और कब तक वेतन आएगी कुछ नहीं मालूम। और हमारा तो जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ फरवरी का बिल गायब कर दिया है प्रिंसिपल ने झुके ही में। पिछले साल हम पढ़ा रहे थे बदेरा में, वहाँ हमारे अभी जो वर्तमान बीओ है वो पूर्व बीओ थे वीरेंद्र पांडे, उन्होंने मेरा 4,000 रुपये जबरदस्ती मुझे निकाला जबकि शासन की तरफ से 30 अप्रैल के पहले आदेश नहीं थे, लिखित में दिया है मुझे। और अभी मैं तिलौरा में 8 दिन ज्वाइन की थी इस सत्र में, तो मुझे वहाँ ना मेरी वो नहीं की फीडिंग और वो भी वेतन नहीं मिला है। और मुझे वीरेंद्र पांडे जी स्पेशली 2 साल से कहीं भी काम नहीं करने दे रहे हैं, अति मचा के रखते। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए एसडीएम से कलेक्टर से जो जो भी ये वीडियो देखे इनको बीओ के पद से तुरंत हटाया जाए। अच्छा अगला पक्ष क्या होगा? अगला पक्ष क्या होगा यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो क्या किया जाएगा? कोर्ट मेरा, मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं अधिकारियों से त्रस्त हूँ, अगर सुन लेंगे तो ठीक है, ना मैं कोर्ट जाऊंगी सीधे हाई कोर्ट। ज्ञापन आज दिया गया अतिथि शिक्षकों को द्वारा, किस विषय को लेकर दिया गया और कितने बार ये ज्ञापन दिया जा चुका? शिक्षकों की जो समस्याएं हैं और वर्तमान में बैठी सरकार और जिला शिक्षा प्रशासन की संवेदनहीनता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो वर्तमान स्थिति में कोरोना जैसी महामारी है, लोगों के ऊपर संकट है अपने खर्चों को लेकर, जहां आज जनवरी 2020 से लेकर आज दिनांक तक शिक्षकों अति शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया गया। इस समय की महंगाई और इस समय की व्यवस्था में घर चलाना कितना कठिन है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबके समझ में आता। और जनवरी से इनका आज दिन तक मान देना देना और इनके विषयों को बार बार चर्चा कर विषयों को बसे भटका देना, कुछ में इनका कुछ लोगों का 2019 का भी इसमें से मानदेय कुछ अति शिक्षकों का नहीं मिला है। तो ज्ञापन इस एसडीएम महोदय के माध्यम से आयुक्त महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी को चेताने का विषय है कि अभी समय रहते चेत जाएं, नहीं आगे आने में ये अप्रदर्शन उग्र होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ने पे शिक्षा विभाग भोपाल तक पैरवी की।